हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉन्ट केस। आई एम सैफ और आज हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज है 26 अगस्त और कल शाम के आसपास मेरा बहुत ही गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ। मतलब बॉडी में इतना पेन है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कितना पेन है। चोट कहीं नहीं लगा है, मतलब ब्लीडिंग बस हाथ से यहाँ से हुआ था, हल्का सा दिख रहा होगा आपको, बट जो मसल में चोट लगा है ना, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। किसी को कुछ अगर पता हो तो प्लीज़ बताओ मेरे को कि पेन कैसे, बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है। मैंने रात को दो दो पेन किलर खाया, फिर भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो एक्चुअली में हुआ कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग ग्रुप में रहते होंगे उनको पता होगा कि हमारे ग्रुप में सुमित बाज़ार है, तो उसी के सामने गैरेज लाइन पड़ता है। तो मैं गुरुद्वारा की तरफ से सीधा आ रहा था, ज़्यादा नहीं 40-45 ऐसा स्पीड होगा मेरा, जो कि नॉर्मल स्पीड है। तो मैं अपने स्पीड में आ रहा हूँ, तो गैरेज लाइन में जो गली है वहाँ से एक अंकल क्रॉस किए। तो क्रॉस कर रहे हो अंकल तो पूरा क्रॉस कर लो या फिर मत करो। उन्होंने क्या किया, आधा क्रॉस किया, गाड़ी रोक दिया, मेरे को देखा। तो मेरे को क्या लगा, पास होने के लिए जगह दे रहे, तो मैं साइड से निकालने के लिए किया। जैसे मैं सामने गया, उन्होंने अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर घुमा दिया और घुमा के डायरेक्ट मेरे गाड़ी पे मारा जोर से। अब उनकी गाड़ी थी जुपिटर और प्लास्टिक बॉडी पूरा टूट गया सामने से। मैं बॉस की बाइक पे था, काम से गया हुआ था, ऑफिस के फील्ड में था मैं, तो अपनी वही काम पे था। उनका प्लास्टिक बॉडी वो पूरा टूट गया। जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ मेरा, उसका भी गियर लीवर इंडिकेटर वगैरह टूट गया। और मेन बात ये हुआ कि मेरे पास लाइसेंस नहीं, तो मैं कोई भी चीज़ क्लेम नहीं कर सकता। गाड़ी का पेपर सब ओके, बट एक ही चीज़ मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो कोई भी चीज़ क्लेम करने जाऊँगा तो बस वहीं फंस जाऊँगा। तो अब मेरे बॉस को उनको पे करना पड़ा, उनका जो भी नुकसान हुआ था, तो वहाँ से पे करके वगैरह। उस समय उतना दर्द नहीं, उस समय सिर्फ सर घूम रहा था। कि जब गिरा ना, पहले सर लगा, पीछे से आलू जैसा निकल गया है पीछे में, सर लगा, फिर लोअर बैक। इतना पेन कर रहा ना, बता रहा मैं गर्दन ऐसा नहीं रख पा रहा हूँ, मतलब ना वो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, गर्दन में बहुत पेन कर रहा है। तो अगर किसी को पेन के बारे में कुछ भी पता है कम करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दो, क्योंकि ये 2-3 दिन रहने वाला है, तो आपके कमेंट आने तक भी कुछ तो रिलीफ मिल जाएगा। बर्फ़ वगैरह से सेकूँगा, बट अगर इसमें आप देखोगे तो सरासर गलती जो मेरे को लगता है अंकल की थी, उन्होंने गलत किया। या तो क्रॉस कर रहे थे तो पूरा क्रॉस कर लेते, या फिर वहाँ रुक गए तो वहीं रुक जाते, मैं साइड से निकल जाता। लेकिन जैसे मैं सामने आ गया, उस समय एक्सीडेंट देने का क्या मतलब पड़ता है, कोई मतलब नहीं होता ना। मैं सामने आ गया, उन्होंने एक्सीडेंट दे दिया, एक्सीडेंट होना ही था। फिर उनको तो शायद उनको भी लगा ही होगा, थोड़ा बहुत दिखा रहे थे पैर वगैरह में चोट लग गया। बहुत पेन हो रहा है यार, बॉडी बहुत पेन हो रहा है। सॉरी, आज व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है, सिर्फ यही सब मैं आपको बस बताने के लिए व्लॉग किया। मैं हेयर बैंड लगाया हूँ क्योंकि बाल भी सेट नहीं है, मैं नहाया नहीं हूँ। हेयर बैंड भी यहाँ पे साकर कोई और पीछे तक जाता है। तो आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग होगा नहीं, क्योंकि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ कि आपको कोई शॉर्ट दिखा पाऊँ या कुछ। बस यही आपकी कुछ बातें करनी थी, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ भाई साहब। और एक बात, एक्सीडेंट हुआ तो अब मैं गिरा, तो पहले मेरा सर लगा पीछे, सर एकदम घूम रहा था सर, मतलब मैं अपना हाथ का सर लगा के कहीं जोर दे के उठूँ वो भी नहीं हो पा रहा ना। तो वहाँ के लोग क्या किए, मेरे ये दोनों हाथ पकड़ के, दो आदमी लगा, सिंगल आदमी से हिला भी नहीं मैं, दो आदमी लगा तो खींच के ना, एक कार खड़ी थी वहाँ पे, तो उसके रिम में से टिका दिए। मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ पूरा सर घूम रहा है एकदम, यहाँ लगा जोर से, बाल बड़े से बच गया तो सर फट जाता। तो मैं देख रहा हूँ सर घूम रहा है, सामने दिखा दोस्त जा रहा था, तो दोस्त से जा रहा था सामने से, वो रुका आया, देखा मेरे को क्या हुआ, मामा करके ऐसा ऐसा भी हुआ, कुछ बात वगैरह किया। मैं तो कम से कम 5-10 मिनट वैसे ही बैठा हुआ था, एकदम सर घूम रहा था, कि बहुत ज़ोरदार लगा था मेरे को सर में। मैं उतना स्पीड भी नहीं था, लेकिन फिर भी ना जब गिरा ना अचानक से बहुत ज़ोरदार। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज कुछ अच्छा कॉन्टेंट नहीं दे पाया आप लोगों को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग चाहो तो कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वो ज़रूर बताना कि दर्द कैसे कम करो, कोई भी तरीका बताओ, भाई बहुत पेन हो रहा है मेरे को, बहुत पेन हो रहा है। तो कोई भी सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी 2-3-4 दिन में शायद ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये पेन तो साथ ही छोड़ने वाला, अब इसके बाद ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपको अगले किसी ब्लॉग में कुछ दिन बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टिल देन सायोनारा।